रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा वसुधा से ये सूचना पाकर कि कृष्ण को अजगर ने निगल लिया है, नंद यशोदा व गोकुलवासी दौड़कर वन पहुंचे। वहां श्री कृष्ण और अन्य ग्वालों को सुरक्षित देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां कृष्ण ने उल्टा दोष सुधा वसुधा के सिर मढ़ दिया। कृष्ण को सकुशल देखकर राधा ने चैन की सांस ली। वहां हस्तिनापुर में भीम ने दुर्योधन से जाकर प्रश्न किया कि उसे विष किसने दिया। पहली बार दुर्योधन ने स्वीकार किया कि भीम को विष उसी ने दिया था। भीम ये सुनकर हतप्रभ रह गया। दोनों में विवाद हुआ और युधिष्ठिर ने आकर दोनों को शांत किया। होली के अवसर पर दुर्योधन को ना पाकर भीष्म ने भीम को आदेश दिया कि दुर्योधन को लेकर आए। भीम और अर्जुन दुर्योधन को लेने पहुंचे और फिर भीम और दुर्योधन में विवाद हुआ। तुम लोग लड़ना बंद करोगे या मैं पितामह को बुला कर लाऊं? आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं? चलता हूं, परंतु स्मरण रहे, यदि किसी ने मुझ पर रंग डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बुरा था वैसे भी कोई नहीं है। भीम भैया आप भी ना, चलिए। ये क्या किया दुशासन? दुर्योधन पर रंग डाल दिया। उसने तो मना किया था कि वो होली नहीं खेलेगा। अब जब रंग ही गए दुर्योधन तो होली खेल ही लो। होली शुभ हो, होली और भी खेलेंगे। मैं तनिक भोजन करके आता हूं। पुत्र प्रणाम माती। आज का दिन कितना शुभ है ना पुत्र, पूरा परिवार पूरा राज्य मानो प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जिस प्रकार धरती पर खिले फूल तो दिखाई देते हैं किंतु धरती के भीतर छिपा ज्वालामुखी दिखाई नहीं देता,
उसी प्रकार अधिक प्रसन्नता के कारण उसके पीछे छिपा दुख भी दिखाई नहीं देता। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जो आभास हो रहा है वो हस्तिनापुर के लिए। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हस्तिनापुर में मेरा दूसरा पुत्र भीष्म है, हस्तिनापुर पे कोई आंच नहीं आ सकती। माते, गंगा पुत्र तो महाबली है, जब तक वो रहेंगे तब तक हस्तिनापुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यदि हस्तिनापुर स्वयं हस्तिनापुर से लड़ेगा तो। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं अपने मन का भय बता रहा हूँ माते। यदि मेरे मन का भय सच हुआ तो आप सह नहीं पाएंगे माते। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा प्रपंच करके तुम जीत जाओगे? प्रपंच की आवश्यकता तो तुम जैसों को पड़ती है, वीरों के लिए तो बल ही पर्याप्त होता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने बल पर? तो आज मैं तुम्हें बल से लड़ने की चुनौती देता हूं। साहस है तो स्वीकार कर। तुमने लड़ने की चुनौती दी है तो मैं तुम्हें हराने का वचन देता हूँ। कहाँ लड़ोगे? कहाँ लड़ेंगे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये जान लो, तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों में से एक पक्ष नहीं हो जाता। उस दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर की शक्ति के प्रतीक चिन्ह उस स्तंभ पर ही नहीं अपितु भीष्म के विश्वास पर ही चोट की। इस घटना ने माता सत्यवती को मेरी बातों पर विचार करने को विवश कर दिया। उस एक क्षण ने होली के आनंदोत्सव पर विराम लगा दिया। हस्तिनापुर राजभवन में एक सन्नाटा व्याप्त हो गया और वहां हस्तिनापुर से दूर गोकुल में कृष्ण को होली के रंग बेरंग लग रहे थे। कारण जिसके रंग में कृष्ण रंग चुके थे वो राधा अब तक नहीं आई थी। चल ना काना, कब तक प्रतीक्षा करेगा, राधा अब नहीं आएगी। वो आएगी सीतामा, वो अवश्य आएगी। मेरा प्रेम उसे खींच लाएगा। तुम यहाँ?
कोई देख लेगा तो कोहराम मच जाएगा। जाओ यहाँ से। जाओ यहां से। क्या बोल रही है राधा? क्या हो गया है तुझे? अरे राधा, यूं अकेले में क्या बड़बड़ कर रही थी तू? वो माँ, मैं बातों में समय मत गवा। हमें जाना नहीं है क्या? अरे तेरे बाबा के साथ उनके मित्र के यहाँ जाना है होली खेलने। आप लोग जाओ माँ, मेरा मन नहीं है। अरे भाई शीघ्रता से काम करो, विलम्ब हो रहा है। जाएंगे तो तब ना, जब आपके लाडली का मन होगा। मना कर रही है वो जाने से, अब आप ही समझाइए इसे। अरे जब आज तक तुम मुझे नहीं समझी तो ये क्या समझेगी? इसे तो इसकी बड़ी माँ ही समझा सकती है। हाँ हाँ, सबको समझने और समझाने के लिए तो मैं ही एक हूँ। आप लोग चलकर बैलगाड़ी में बैठिए, मैं इसे ले आती हूँ। क्यों राधा, तू नहीं चलेगी? मेरा मन नहीं है। देख राधा, कभी कभी अपनों के मन की प्रसन्नता अपने मन की दुविधा से बढ़कर होती है। आज होली है, तेरे माँ बाबा चाहते हैं कि तू सबके साथ होली खेले। अपने मन की प्रसन्नता के लिए तू उनके मन को दुखाएगी? देख रहा था, तू अब बड़ी हो गई है, कल को तू ससुराल चली जाएगी। तुझे तो नया घर, नए लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तेरे माँ बाबा के पास केवल तेरी स्मृतियाँ शेष बचेगी। आज अगर तू उनके साथ होली खेल लेगी ना, तो तेरी स्मृतियों में एक और होली का रंग जुड़ जाएगा। क्या पता अगले साल तू यहाँ होली मनाती है या अपने ससुराल। ठीक है, नहीं जाना चाहती है? मैं सबसे कह दूंगी कि तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बड़ी माँ, बाबा के मित्र के घर केवल लड्डू लेकर जाओगी? मैंने खीर भी बनाई है। खीर के साथ साथ अपना मन भी लेकर चलना। जब भी मन उलझ जाए ना, तो नारायण का स्मरण कर लेना, तो सब ठीक कर देगा। जब भी मन उलझ जाए ना, तो नारायण का स्मरण कर लेना, वो सब ठीक कर देगा। ओम नमो नारायण। आई आई आई, स्वागत है आपका। आइए। प्रणाम भैया, प्रणाम। आइए आइए वृषभान जी, वर्षों पश्चात गोकुल में आए हैं, स्वागत है आपका। होली की बधाई हो। अरे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो नंद जी। ओ हे नारायण, मैं इसे नहीं देखना चाहती। बड़ी माँ ने कहा था कि जब मन भटके आपका नाम ले लो, शांत हो जाएगा। पर अब तो आपका नाम लेने पर भी ये मेरे मन से नहीं जा रहा है। कल्प वृक्षम समाश्रित्व तिष्ठन्तं राधिका।
ये क्या हो रहा है? हे नारायण, मैं तो आपको देखना चाहती हूँ, परंतु ये मुझे बार बार क्यों दिख रहा है? ये भ्रम ऐसे नहीं टूटेगा। मैं जानता था कि तुम आओगी। कहा था ना, सब नारायण पे छोड़ दो, उनकी जैसी इच्छा। देखो, स्वयं नारायण ही तुम्हें मेरे पास ले आए। अरे राधा, यहाँ आओ। अरे राधा आओ, तुम्हें मैं तुम्हारे यशोदा काके से मिलाती हूँ। ये है यशोदा काकी, और यशोदा ये है मेरी राधा। प्रणाम काकी। जीती रहो। सैकड़ों गोपियों के मन में ये कान्हा बसता है राधा, परंतु इस कान्हा के मन में केवल तुम बसती हो। इस प्रेम को पनपने के लिए एक दृष्टि पर्याप्त थी, परंतु इस प्रेम को निभाने के लिए एक जीवन तो क्या, कई युग भी अपर्याप्त रहेंगे। हमारा प्रेम सदा के लिए है राधा। जिस प्रकार आत्मा अमर होती है, उसी प्रकार हमारा प्रेम भी अमर होगा, क्योंकि ये हमारी आत्मा से जुड़ा है। मेरी आत्मा को ये प्रेम स्वीकार है कान्हा। मुझे तुम्हारा प्रेम तो मिला है, परंतु न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि मुझे इस जीवन में तुम्हारा साथ नहीं मिल पाएगा। साथी वो नहीं होता जो आंखों के सामने हो, साथी वो होता है जो पल पल मन में बसता हो। हम एक दूसरे के मन में बसने लगे हैं राधा। मेरा मन केवल तुम्हारे लिए बांसुरी बजाने को कहता है, और तुम्हारा मन उस बांसुरी की धुन पर मेरी ओर खिंचा चला आता है। तुम्हें सब में मैं दिखाई देता हूँ, और मुझे तुम्हारे अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। मेरे सांवले रंग पर आज तक कोई रंग नहीं चढ़ा, परंतु आज पहली बार इस पर एक रंग चढ़ा है राधा, तुम्हारे प्रेम का रंग। Yeah.
यमुना तीर संगतम कल्प वृक्षम समाश्रित्व तिष्ठन्तं राधिकायुतम् ॐ श्री राधा कृष्णा नमः कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा गोपीनंदनाय कृष्णकर्षणाय राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण सहचरी कृष्ण राधा